कि ऐसा है कि यहाँ जो वेस्टर्न राजस्थान की मारवाड़ की जो परंपरा है उसमें सभी लोग शांति प्रिय हैं। अगर कोई इश्यू है तो इश्यू पे प्रशासन और पुलिस बैठ के बात करते हैं, और अगर कोई समस्या है उसका समाधान भी करते हैं। जहाँ जहाँ तक बात है इस समस्या की, इसमें शिव विधायक एक स्टेक होल्डर है, उसके अलावा लोकल लोग भी हैं, सरपंच भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी की बात कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, और उसमें जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई हो, सही कार्रवाई होगी, वो प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो सही होगा वो किया जाएगा। परंतु इसमें विशेष बात यह है कि निजी जमीन किसी भी कंपनी की या किसी भी व्यक्ति की अगर है तो वो अपने पूरे देश के अंदर उसका पूरा हक है कि वो उसके अंदर उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो ओरन का इशू है वो एक अलग सेपरेट इशू है, उस पर प्रशासन के स्तर पर संज्ञान लिया गया है, और उसमें जो भी स्टेक होल्डर है सबसे कलेक्टर साहब वार्ता कर रहे हैं। जो निर्णय है वो जो जो निर्णय है वो लिया जाएगा, और जनता की जन भावना को ध्यान रखते हुए जो भी सही है सही चीजें वो की जाएगी, और जो कानून में है प्रावधान है उसके अनुरूप ही कार्य किया सर, जाएगा। आपने वो एक वीडियो भी आया जिसमें वो गाड़ी से दो लोगों को बता रहे, फिर आपका रेस्टोरेंट जो है टैक्सी जो वीडियो आया है, कार्रवाई भी की जाएगी, क्या क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि जो भी युवा विधायक होते हैं तो उनको काफी युवा उनको फॉलो करते हैं, और अल्टीमेटली जैसे आप अपने नशे की बात की, तो हम सब चाहते हैं कि जो हमारे युवा वो सही दिशा में जाएं, रोजगार की तरफ जाएं, अच्छे काम करें। अगर यहाँ पे कंपनियां भी आ रही हैं तो उसमें भी उनको स्किल्ड होकर के वो लोग उसमें काम करें, सही दिशा में जिले के युवा जाएं, ये उद्देश्य रहता है। और मुझे लगता है कि जो माननीय विधायक हैं वो गंभीर पद, बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। इस तरह की जो चीज़ आई है, उस जो वीडियो आया था उसने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज़ ए यंग MLA, और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में लें। ऑल तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई। परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी, और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करेगी। सर, उनका कहना है कि जो विरोध कर रहा है वो लोकतंत्र में अधिकार है लोगों का, इसलिए उनको गिरफ्तार क्यों किया? ये देखिए ऐसा है कि जो भी कल की घटना थी उसके अंदर प्रशासन की तरफ से लिखित आदेश था, और निजी कंपनी के द्वारा और लोकल सरपंच के द्वारा पुलिस इमदाद मांगी गई। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्राइवेट जमीन पे काम करना चाहेगा तो उसका हक है, देश का कानून यही कहता है। जो ग्रामीणों के इशू हैं वो जो इशू है वो एक अलग इशू है, वो जेन्युइन भी है, और उसको लेकर के प्रशासन गंभीर भी है। तो दो मुद्दों को मिक्स करना ठीक नहीं रहेगा। प्राइवेट जमीन पे कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है या कोई संस्था काम करना चाहती है तो उसका हक है, वैधानिक हक, भारत का संविधान, भारत के कानून उसको अलाउ करते हैं। और उसी के तहत काफी समय भी ग्रामीणों को दिया गया, वार्ता में दौर भी चले, और सरपंच और कंपनी ने प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को दिया, उसके स्तर पर पुलिस जाब्ते की डिमांड की गई और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई। और फिर भी पुलिस ने बड़ा संयम बरते हुए जो भी ग्रामीणों को समझाइश करते हुए, उनको रियल सिचुएशन समझाते हुए, उनकी समस्याएं भी सुनते हुए, हम लोग इस मुद्दे में बड़ा सहन संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। परंतु एक युवा विधायक से ये अपेक्षा की जाती है कि युवाओं को एक रोल मॉडल की तरह वो रहें और इस तरह की चीज़ें आगे ना हो, हम ये अपेक्षा करते हैं। और इससे कल हमने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें ये अपील भी की थी कि कानून को हाथ में ना लें, किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, और स्पेशली अगर मान लो कोई इलीगल एक्ट हो भी गया तो उसका महिमामंडन करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक समझदार विधायक है, इसको आगे संज्ञान मिलेंगे, इस तरह की घटना आगे नहीं होगी। और जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल इशू है जनता का, उसको उठाना कोई भी जनप्रतिनिधि का रोल होता है, वो लोकल विधायक भी उठाएंगे, लोकल सरपंच भी उठाएंगे, सभी लोग उठाएंगे, और हम लोग सुनते भी हैं। हो सकता है कि उनके व्यू पॉइंट से हम लोग एग्री ना करें, परंतु लोकतंत्र में हमारा ये जिम्मेदारी ये है कि हर व्यक्ति की आवाज़ को सुना जाए। मैं चाहे एज पुलिस ऑफिसर उनके उनके जो भी ओपिनियन से एग्री ना करूं, परंतु मेरा ये दायित्व है कि उनकी बात को सुना जाए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु युवा विधायक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि युवा उनको फॉलो करते हैं, और इस तरह की चीज़ से कहीं ना कहीं समाज में नेगेटिव मैसेज जाता है। और जब पुलिस पूरा कॉपरेट कर रही थी, और अगर मान लो कोई वहाँ पे अशांति की स्थिति हुई तो जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिए जाते हैं, और वहाँ पे पुलिसकर्मी ने बड़ी संवेदनशीलता से के साथ उनसे वार्ता की। मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस तरह की घटना नहीं होगी, और जो भी रियल इश्यूज हैं उस पर प्रशासन के स्तर पर वार्ता होकर के जो भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकले।
वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी वहाँ पे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और कलेक्टर साहब के से एक प्रतिनिधिमंडल मिला है, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल MLAs हैं और लोग भी मिलेंगे, उस पर सबकी राय लेकर के कलेक्टर साहब एक युक्ति संगत जो भी निर्णय होगा, जो लीगल होगा और सही होगा, वो लिया जाए। जो कंपनियों को लेकर के जमीन का अलॉटमेंट होता है वो राज्य सरकार के स्तर पर होता है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ राज्य का हित नहीं, देश हित भी होता है, क्योंकि हमारे देश में पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो सरकार के स्तर पर लिया जाता है, और कोई भी निजी कंपनी भी है तो वो अल्टीमेटली पावर ग्रिड में देती है, और ग्रिड कहीं ना कहीं देश के विकास में कहीं ना कहीं भागीदारी उसकी होती है, और वो जो भारत का कानून है उसके तहत ही इसमें कार्रवाई होती है। उसमें कोई अगर पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब देना मुझे लगता है कि मेरे स्तर पर उचित नहीं रहेगा, परंतु जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई।